दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आप सबों का राजीव कुमार ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबों को बचपन की ओर ले जाएंगे कि हम लोग बचपन में कैसे क्या करते थे और आपको ये वीडियो देखकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन में ज़मीन पर लौटकर अपनी बात मनवाने की अद्भुत कला सिर्फ 90 के दशक के बालकों में ही होगी। जब हमें कोई भी अपनी बात को मनवाना होता था अपनी मम्मी से, तो हम क्या करते थे, नीचे में घुलट घुलट कर लेट लेट कर रोने लगते थे। तो हमारी मम्मी मान जाती थी और हमें वो चीज़ें दे देती थी। तो ऐसा था हमारा बचपन। तो आप लोग क्या ऐसा किए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मार्केट जाते वक्त अचानक से रनअप लेकर बॉलिंग एक्शन करने वाले लड़कों की प्रजाति भी विलुप्त हो गई है। जब हम कभी मार्केट जाते थे तो रास्ते में ऐसा एक्टिंग करते थे जैसे कि हम मैदान में फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, रास्ते में ऐसे ही करते थे बचपन में। तो वो भी हमारा बचपन हमसे छीन चुका है आज के इस दौर में। क्या बचपन में कभी आपकी बॉल, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो क्या आपकी क्रिकेट की बॉल किसी झाड़ी में छुपा है या खो गया है? और कभी आपने सबने मिलकर झाड़ी को खूब छान मारा है सुबह से लेकर शाम तक, ना खाने का फिक्र ना पीने की चिंता? तो दोस्तों मैंने तो कई बार ऐसा किया है अपने दोस्तों के साथ। जब भी खेलने जाते थे तो बॉल अगर गुम हो जाता था तो सारे दोस्त मिलकर उसको खूब ढूंढते थे। तो ऐसा था हमारा बचपन। बचपन में लकड़ी की 3 चक्कों वाली एक गाड़ी होती थी जिसके आगे लग्जरी गाड़ी भी आज फैल है। एक वो दौर था जिसके सहारे हमने ठीक से चलना सीखा। क्या इसका नाम आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है कि वो गाड़ी कौन सी थी बचपन वाली 3 चक्कों वाली लकड़ी की, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक छोटी सी काली वाली पिस्तौल हुआ करती थी। कभी हमारा भी गैंग हुआ करता था और ये गैंग दिवाली में अधिक सक्रिय रहता था। ये वाली पिस्तौल पाने के बाद हमारे अंदर में कश्मीर वाली फीलिंग आती थी, वो जो मार्केट में मेले में दुकान में मिलता है छोटा सा पिस्तौल काला वाला। तो वो दिवाली में ही हम लोगों का गैंग सक्रिय होता था, क्योंकि दिवाली टाइम में ही वो पिस्तौल हम लोगों को मिला करता था दुकान में 10 रुपये 20 रुपये में, और वो लेकर खुद को कश्मीर का सैनिक हम लोग महसूस करते थे। तो हमारे बचपन में ऐसे हुआ करते थे। तो क्या आप लोग भी उस पिस्तौल के साथ ऐसा महसूस किए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने बचपन में साइकिल या मोटरसाइकिल की टायर को एक छड़ी की सहायता से कभी भी चलाई है? अपने दोस्तों में मैं हमेशा आगे ही रहता था। वो भी क्या दिन थे यार, काश वो बचपन फिर से लौट जाता। तो हम लोगों ने वो साइकिल की टायर, गाड़ी की टायर लेकर और अपने दोस्तों के साथ एक छड़ी की सहायता से दौड़ दौड़ कर वो गाड़ी चलाया करते थे। एक हमारा वो बचपन था और आज एक उस खेल को याद करते हैं। क्या आपने कभी ताड़ के डपठे या बैर का जो पेड़ होता है उसका बना बैट, या फिर तख्ते का जो बल्ला होता है उससे कभी आपने क्रिकेट खेला है फटाचिटा से? तो आज महंगे महंगे बल्ले खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो अनमोल दोस्त अभी हमारे पास नहीं है। बचपन में सारे दोस्त अपना अपना बस्ता लेकर आते थे और सारे दोस्त खोलकर और ट्यूशन पढ़ा करते थे। जो गांव से होगा वो ज़रूर जानता होगा कि हम लोग कैसे दोनों साइड में बैठ जाते थे और मास्टर के बीच में बैठते थे और हम लोग पढ़ा करते थे। घर में जब पर्व त्योहारों में हमारे घर में पकवान बनते थे तो बाहर क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं होता था। बस हम लोग क्या करते थे, आसपास ही मंडराते रहते थे। तब तक मंडराते रहते थे जब तक हमें एकाध पकवान मिल ना जाए, उसके बाद ही देश दुनिया हम लोग देखते थे। तो ऐसा था हमारा बचपन। कभी आपने वो वाली फ़ोन देखा है जो कि माचिस का खाली डब्बा हो और 2 डब्बा हो, एक पहला दोस्त दूसरा दोस्त, और बीच में उस डब्बे में लगा हुआ एक धागा हो लगा हुआ और एक बोल रहा है मुंह में और एक कान में लगाया है, ऐसा वाला फ़ोन? क्या आपने कभी ऐसा वाला फ़ोन किया है? और क्योंकि यह बात जो होती थी ना तो सीधे दिल से होती थी यार। और अपना वो सुपर हीरो सबको तो याद होगा ही,
जिसको देखने के लिए हम खटिया के नीचे, चौकी के नीचे भी घुस जाते थे। लोग अपने घरों में टीवी देखने नहीं देते थे, तो किसी तरह घुसकर और चौकी के भीतर में भी चले जाते थे और हम वो सीरियल देखते थे। आपको तो याद ही होगा हमारा वो प्यारा सा सुपर हीरो शक्तिमान। आप लोगों को याद आया नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताया। बचपन में आपने सबसे पहले साइकिल चलाने में कितना संघर्ष किया और कितना समय लगाया? मैंने भी बहुत समय लगाया। मुझे तो मेरे पिताजी साइकिल सिखाते थे, वो पीछे में बैठ जाते थे और मुझे बोलते थे कि अब पैडल मारो, चलाओ। तो मैं काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया था। आजकल तो बच्चा 4 साल 5 साल में सीख जाता था, लेकिन मैं 8-9 साल का हो गया था फिर भी साइकिल नहीं जानता था। तो मेरे पिताजी पीछे बैठ जाते थे और बोलते थे कि पैडल मारो। तो मैं थोड़ा काफ़ी लंबा था, तो मेरा वो जो हैंड साइकिल का डंडा होता है, मेरा पैर उसमें बार बार सड़ जाता था। तो मैं बोलता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चला पाऊँगा। तो पीछे से तड़ाक मेरे पिताजी एक थप्पड़ लगा देते थे कि चला, साइकिल तो सीखेगा। और मैंने साइकिल सीखने में बचपन में बहुत मार खाई है दोस्तों, क्या बताऊँ। आप लोग कैसे साइकिल सीखे और कितना समय लगाया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बचपन में साइकिल सीखने में आज भी वो दिन बहुत याद आता है। सड़कों पर जा रहे ट्रैक्टर से खींचकर खाए गए गन्नों का स्वाद ही कुछ और था दोस्तों। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज तक समझ नहीं आता, बचपन में हमारे बाल काटे जाते थे तो हम रोते क्यों थे? आज तक भी समझ में नहीं आया है। जब हम कोई गलती करते थे और दूर खड़े रहते थे तो माँ क्या करती थी, पीछे में हाथ ऐसे करके और छड़ी को रखती थी और बोलती थी कि बेटे यहाँ आओ, नहीं मारूंगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता था। वो बोलती थी कि नहीं मारूंगी, आ जाओ। और जब आते थे तो दे पिटाई, दे पिटाई। और वो याद आया जो बादाम के आकार का होता था, चारों तरफ कांटे ही कांटे होते थे, जो कि एक दूसरे पर फेंकने पर बालों में चिपक जाता था। आपको वो तो याद होगा ही, तो उस कांटे का क्या नाम है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और वो अपने कभी बिट्टो वाली खेल खेला है, जो कि कागज़, पॉलीथीन और रस्सी के मदद से उसको बनाया जाता है, और खपरेल का 5 टुकड़ा छोटा छोटा गोल गोल आकार का और एक के ऊपर एक रखकर और एक पाली का लड़का मारकर उसको भागता है। दूसरे पाली का जो बच्चा होता है वो उस गेंद से उसको मारता है, अगर लग गया तो वो आउट और अगर नहीं लगा और वो दौड़ कर आया और वो एक के ऊपर दूसरा खपरेल रख दिया तो वो विजेता होता था। क्या आपने ऐसा खेल खेला है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ बचपन में गुल्ली खेला है, कंचे? आपको याद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बचपन की वो 50 पैसे वाली रंग बिरंगी पेप्सी तो पी ही होगी, बड़ा मज़ा आता था। वो आनंद आज के फ्रूटी में भी नहीं है दोस्तों। अपने दादा दादी या नाना नानी के चारों तरफ सारे बच्चे, अपने दोस्त सब मिलकर और शाम में बैठते थे और अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कहानियाँ, किस्से सुना करते थे। क्या आप लोगों में सुने हैं? मैंने तो बहुत सुने हैं यार। बचपन में विद्यालय में कोई गलती करने पर सज़ा मिलती थी हमें, मास्टर जी सजा देते थे। हम लोग लड़का लड़की जैसे रहते हैं तो लड़का को कहता कि तू लड़की का कान पकड़, और लड़की को कहता तू लड़का का कान पकड़, और दोनों उठक बैठक कर। यार मुझे तो लड़की के पास खड़े रहने में भी हवा निकल जाती थी मेरा, क्या बताऊँ। 12 साल तक सोचते रहे कब मिलेगी आज़ादी इस जेल से, फिर 12 साल बाद पता चला वो स्कूल नहीं जन्नत था मेरे दोस्त। हजारों दोस्त आए और हजारों दोस्त चले गए, लेकिन वो स्कूल वाले दोस्त आज भी बहुत याद आते हैं। बचपन में पैसा जरूर कम था, पर साला उस बचपन में भी दम था। बचपन की एक घटना मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग स्कूल जाया करते थे और उस टाइम में मेरा बहुत सारा फ्रेंड था, तो उसमें एक करीबी फ्रेंड था लालू कुमार सिंह, उसका नाम मतलब घरेलू लालू था और ऐसे स्कूल में नाम था यशवंत कुमार सिंह। तो अभी वो मतलब कहीं दूसरे जगह वो काम करता है, कमाता है अभी, तो वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। तो हम लोग क्या करते थे स्कूल, मतलब जब भी जाते थे तो स्कूल जाते थे, तो उस टाइम में भागलपुर रेडियो, जो रेडियो होता है, तो रेडियो में भागलपुर चैनल से
कहानी सुनाया करता था आधा घंटा। 3:30 बजे स्टार्ट होता था और वो 15-20 मिनट कहानी सुनाती थी मैडम उसमें रेडियो में। तो हम लोग को मालूम था कि रेडियो में कहानी सुनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते थे स्कूल में, जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बस्ता लेकर दोनों वहाँ से सरपट घर की तरफ दौड़ते थे। दोनों दौड़ते 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 हाँपते हाँपते वो अपने, पहले उसका ही घर आता था तो वो अपने घर में बस्ता फटाक से रखता था और वो मेरे साथ दौड़ता दौड़ता मेरे घर तक आता था। करीब 1 या 2 किलोमीटर की दूरी तो होगी ही स्कूल से हमारे घर की दूरी। तो दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते घर तक पहुँचते थे और फटाक से हम लोग, भागलपुर स्टेशन तो लगा रहता ही था, उसमें सारे गाने जो भी सुनने को उसी में मिलता था, और हाँपते हाँपते रेडियो स्टार्ट करते थे और बैठ जाते थे। और जब वो मैडम कहानी सुनाया करती थी तो हम लोग बड़े ध्यान से कहानी को सुनते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमें बचपन का वो दिन बहुत याद आता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे उस फ्रेंड का फोटो हमने लगाया है, यही मेरे बचपन का वो यशवंत कुमार सिंह, ये फ्रेंड है जिसके साथ हम ऐसा दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर और रेडियो में कहानी सुना करते थे। तो हमें आज भी वो बचपन बहुत याद आता है। इस वीडियो को अपने बचपन के दोस्तों के पास पहुंचाने का कष्ट करें और भविष्य में और अच्छी पेशकश के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही बचपन की यादें ताज़ा करने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मैं दूसरी बार पहुंचा सकूं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।